हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जॉब्स को क्रिएट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग जॉब्स को फेच करेंगे और माय जॉब सेक्शन में लिस्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, इस मॉड्यूल पर वर्क स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को एक बग फिक्स करना होगा। अब वो बग क्या है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जॉब्स टेबल का स्ट्रक्चर ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप आईडी कॉलम देख सकते हो, टाइटल कॉलम देख सकते हो, कैटेगरी आईडी है, जॉब टाइप आईडी है, वैकेंसी है, सैलरी है। अब यहाँ पर मुझसे एक इम्पोर्टेंट कॉलम मिस हो गया। अब उस कॉलम का क्या नाम है? उस कॉलम का नाम है यूजर अंडरस्कोर आईडी। एक्चुअली जब हम एक जॉब को क्रिएट करेंगे तो वो जॉब उस यूजर को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर इस टेबल में हमें उस यूजर का आईडी भी इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके बिहाफ पर ही हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये जॉब इस यूजर ने क्रिएट की है। ठीक है, तो ये किसी तरह से मुझसे मिस हो गया और मिस नहीं होना चाहिए था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे आज हम लोग पहले फिक्स कर लेते हैं और फिर हम लोग जॉब्स को माय जॉब सेक्शन में लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक माइग्रेशन क्रिएट करना होगा। अब वो माइग्रेशन क्या करेगा, वो माइग्रेशन यहाँ पर यूजर आईडी कॉलम एड कर देगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अल्टर जॉब्स टेबल। ओके, सो यहाँ पर एक माइग्रेशन हमारा क्रिएट हो गया है। अब इस माइग्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं। सो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, डेटाबेस में माइग्रेशंस के अंदर ये माइग्रेशन। ओके, और यहाँ पर इस माइग्रेशन से मैं ये इतना कोड कॉपी कर लेता हूँ और फिर से अपना माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इतना कोड मैं इस तरह से दे देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। सो यहाँ पर कॉलम का टाइप क्या होगा, फॉरेन आईडी। ओके, और कॉलम का नाम क्या होगा, सो यूजर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और डिफॉल्ट की जगह यहाँ पर हम दे देंगे कंस्ट्रेंड और इसके बाद ऑन डिलीट कैस्केड प्रॉपर्टी, सॉरी ऑन डिलीट मेथड, और इसके अंदर हम पास करेंगे कैस्केड। ओके, और ये कॉलम किसके बाद क्रिएट होगा, तो मैं चाहता हूं ये कॉलम क्रिएट हो जॉब टाइप आईडी के बाद, जॉब टाइप आईडी, सॉरी। और यहां पर इसके कट कर लेना है और इसे यहां पर देना चाहिए। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर सही है। और डाउन में हमें इसका रिवर्स देना होगा, तो मैं इसे फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इससे मुझे हटा देना है, इसकी जगह मुझे लिखना है ड्रॉप कॉलम। ओके, और यहाँ पर ड्रॉप फॉरेन, और इसमें इस तरह से। ओके, अब इस माइग्रेशन को हम लोग रन कर लेते हैं। और रन करने से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपको अपने टेबल में जाना है और सभी रिकॉर्ड्स को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो टर्मिनल में एरर आने लगेगा। ठीक है, तो मैं वापस से यहाँ पर आ जाता हूँ, टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट। ओके, तो माइग्रेशन हमारा यहाँ पर रन हो गया है। अब एक बार टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो यूजर आईडी कॉलम अब हमारा यहाँ पर ऐड हो गया, बढ़ गया यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, हमें ओपन करना है अकाउंट कंट्रोलर। सो यहाँ पर मैं अकाउंट कंट्रोलर ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर के सेव जॉब मेथड में यहाँ पर मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र आईडी और यूजर आईडी में लॉग्ड इन यूजर का आईडी पास कर देंगे। अब लॉग्ड इन यूजर का आईडी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ऑथ, ओके, यूजर और उसका आईडी। ओके, सो अब जब जॉब क्रिएट होगा तो यहाँ पर यूजर आईडी भी साथ में इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर एक जॉब क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डेवलपर, ओके, सो जॉब ऐड हो गया। अभी यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देखो तो यूज़र आईडी पर हमारा वैल्यू स्टोर हुआ है 3। ठीक है, तो मैं किस यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, मैं लॉग्ड इन हूँ रवि सिंह से। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिखा रहा है रवि सिंह, और रवि सिंह का आईडी क्या है,
तो रवि सिंह का आईडी है 3। ओके, तो ये बग हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स कर ली है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जॉब्स को फेच करेंगे और यहाँ पर लिस्ट कर देंगे। तो एक काम करते हैं, मैं आ जाता हूँ माई जॉब्स मेथड में। ओके, सो यहाँ पर अब हम लोग जॉब्स को फेच कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब्स इक्वल्स टू मॉडल का क्या नाम है हमारे, तो जॉब नाम है, तो यहाँ पर जॉब लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर वेयर, ओके, और वेयर में यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी और यहाँ पर ऑथ यूज़र, अच्छा ऑथ गलत दिया मैंने, यहाँ पर होना चाहिए था सही इस तरह से, ओके, ऑथ यूज़र का आईडी, ओके, ऑथ यूज़र आईडी, ओके। और इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा पेजिनेट मेथड, ओके, पेजिनेट, ओके, और पेजिनेट में मैं पास कर दूंगा 10। तो यहाँ पर मुझे एक पेज में 10 रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो पेजिनेशन में मैंने यहाँ पर 10 सेट कर दिया है, ओके, और यहाँ पर एक वेयर क्लॉज लगा दी है कि यूज़र आईडी क्या होना चाहिए, लॉग्ड इन यूज़र का आईडी, ओके। तो अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं डीडी कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर रिलोड कर लेते हैं, सो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं ये जॉब का इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो एक जॉब ही यहाँ पर फेच हुई है क्योंकि हमारे डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया, मतलब एक ही जॉब मैंने ऐड की है। तो अब डॉलर जॉब्स को हम पास कर देंगे यहाँ पर, ओके, तो जॉब्स, और यहाँ पर मुझे लिखना है जॉब्स, ओके। सो अब यहाँ जाते हैं इस ब्लेड में, माई जॉब्स ब्लेड में, और यहाँ पर ये TR। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इफ कंडीशन लगानी है और इसके अंदर मुझे लिखना है इफ डॉलर जॉब्स इज नॉट एम्प्टी, ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमें फॉर ईच यूज करना है डॉलर जॉब्स और यहाँ पर डॉलर जॉब। नेक्स्ट इस TR को मुझे यहाँ से क्या करना है, कट करना है और फॉर ईच में जाकर के पेस्ट कर देना है, और बाकी के TR यहाँ से हमें क्या करने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके, सो यहाँ पर मैंने रिमूव कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रिंट करना है जॉब का टाइटल, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है टाइप, तो टाइप के लिए अब हम क्या करेंगे, तो टाइप के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन डिफाइन कर लेंगे, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ जॉब का लोकेशन, सो ठीक है। और यहाँ पर हमें प्रिंट करना है डेट कि जॉब हमारा कब पोस्ट हुआ है, सो यहाँ पर हमें एक स्पेसिफिक डेट फॉर्मेट चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कार्बन लाइब्रेरी का, सो कार्बन, और इसके बाद फिर से ऐसे कार्बन कोलन कोलन, यहाँ पर पार्स मेथड, और पार्स मेथड में मैं पास कर दूँगा जॉब का क्रिएटेड एट कॉलम, तो क्रिएटेड एड में हमारा टाइम स्टैम्प है। अब यहाँ पर हम लोग कार्बन का फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे, सो फॉर्मेट मेथड की हेल्प से हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डेट को यहाँ पर प्रिंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे कैसे डेट चाहिए, तो पहले आना चाहिए मेरा डेट, उसके बाद आना चाहिए मंथ, तो मंथ का नाम आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल M, और इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर कैपिटल Y, तो कैपिटल Y का मतलब ईयर, ओके। और एप्लीकेशंस, तो इसको अभी ज़ीरो कर देते हैं, इस फीचर को हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हमें दिखाना है एक्टिव या फिर ब्लॉक, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ, और यहाँ पर एक एल्स भी होगा, सो एल्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो अगर जॉब का स्टेटस होता है 1, तो दैट मीन्स कि एक्टिव हमें दिखाना है, तो यहाँ से मैं कट करके यहाँ पर दे देता हूँ, और एल्स में यानी कि ब्लॉक, यहाँ पर इसका ए हम कर देते हैं कैपिटल, ओके। तो अब एक बार इसको चला करके देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जॉब टाइटल देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर टाइम स्टैम्प, और ये तो अभी स्टैटिक है,
स्टेटस हमारा डायनेमिक हो चुका है, यहाँ पर फुल टाइम अभी स्टैटिक है, तो इसके लिए हम लोग रिलेशन का यूज़ करेंगे और लोकेशन जो यहाँ पर ये आ रहा है ये है डायनेमिक। तो अब एक काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जॉब मॉडल को यूज़ किया तो उसे इम्पोर्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पोर्ट हुआ है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस लाइन को लिख लेना, ओके। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक रिलेशन डिफाइन करनी है, और ये रिलेशन हम कहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो जॉब मॉडल में, ओके। अगर इसका लोकेशन आपको देखना है इस मॉडल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर जॉब टाइप, स्पेलिंग गलत है, जॉब टाइप। तो यहाँ पर मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ जिसका नाम है जॉब टाइप, और जो भी जॉब्स हम लोगों ने स्टोर की हैं वो जॉब्स एक स्पेसिफिक जॉब टाइप को और एक स्पेसिफिक जॉब कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बिलोंग टू रिलेशन, ओके। सो यहाँ पर हमें लिखना है रिटर्न, फिर इसके बाद यहाँ पर दिस बिलोंग्स टू, ओके। और बिलोंग्स टू में यहाँ पर हम पास करेंगे जॉब टाइप मॉडल, तो यहाँ पर जॉब टाइप कोलन कोलन क्लास, ओके। और यहाँ पर एक रिलेशन और बढ़ा लेते हैं, कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कैटेगरी मॉडल। सो एक बार मैं आपको डेटाबेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉलम है हमारा जॉब टाइप आईडी, तो ये जॉब बिलोंग कर रहा है, तो ये जॉब बिलोंग कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट जॉब टाइप को, और साथ ही साथ ये जॉब बिलोंग कर रहा है आईटी कंप्यूटर्स कैटेगरी को, ओके। सो यहाँ पर जॉब टाइप और कैटेगरी के लिए मैंने रिलेशंस डिफाइन कर ली है, ओके। सो अब इस रिलेशन को हमें यूज करना है यहाँ पर। तो किसी रिलेशन को यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, विद क्लॉज का यूज करना होता है, और यहाँ पर इस तरह से हम इस रिलेशन को कॉल कर सकते हैं, ओके। अब इसे हम कैसे यूज करेंगे, तो पहले मैं इसको डीडी करके आपको दिखा देता हूँ, ओके। सो यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया, मैं जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पर आइटम्स में हमारे रिकॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं, ओके। सो एट्रीब्यूट्स में हमें जॉब का इंफॉर्मेशन मिलेगा, और यहाँ पर एक इंडेक्स होगी जिसका नाम होगा रिलेशंस, तो ये रही वो इंडेक्स, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो जॉब टाइप में इसने क्या कैप्चर किया है, ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आईडी में 5 है, नेम में कॉन्ट्रैक्ट है, और स्टेटस 1, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने जॉब टाइप को भी अब फेच कर लिया है, अब इसे हमें अपने ब्लेड में यूज करना है। तो ब्लेड फाइल में जाते हैं, और यहाँ पर इसको यूज करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा डॉलर जॉब, इसके बाद अपने रिलेशन का नाम देंगे, तो यहाँ पर जॉब टाइप, ओके। और फिर इस रिलेशन के अंदर मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है, तो नेम कॉलम की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम। तो अब यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जॉब टाइप आ चुका है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जॉब्स को लिस्ट कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है आपको, 0 एप्लीकेशंस, ये क्या है, ये अभी स्टैटिक है, इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को पेजिनेशन भी अप्लाई करना है। तो पेजिनेशन के लिए क्या करना होता है, तो पेजिनेशन के लिए हमें एक काम करना होगा, मैं इसको कहाँ पर दे दूँ, सो ये हमारा डिव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक डिव ले लेते हैं यहाँ पर, डिव, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब्स और लिंक्स, ओके। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मैंने पेजिनेट यूज़ किया है, तो जब मैं पेजिनेट यूज़ करूँगा उसके बाद ही मैं यहाँ पर लिंक्स मेथड को यूज़ कर पाऊँगा, ओके। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ऐसा ना करना कि यहाँ पर आप गेट यूज़ करना और गेट लिखने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से लिखो, तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेजिनेट मेथड यहाँ पर कॉल करना है गेट की जगह पर, और यहाँ पर फिर आप लिंक्स लिख सकते हो इस तरह से, मतलब लिंक्स मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हो। तो अभी रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर पेजिनेशन दिखेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, कुछ डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। अब ये डमी रिकॉर्ड्स हम कैसे इंसर्ट करेंगे, तो डमी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे फैक्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, पीएचपी आर्टिजन मेक फैक्ट्री, और इस फैक्ट्री का नाम होगा जॉब फैक्ट्री, ओके। ये पहले से बता रहा है कि ये जॉब फैक्ट्री मैंने पहले से क्रिएट कर ली है, ओके। तो आप लोग ये कमांड देना तो आपका फैक्ट्री क्लास क्रिएट हो जाएगा। अब ये कहाँ पर मिलेगा, तो मैं देख लेता हूँ। सो ये हमें मिलेगा डेटाबेस के अंदर फैक्ट्रीज में,
जॉब फैक्ट्री, ओके। और यहाँ पर मैंने इसे सेटअप भी कर लिया है, तो इसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टाइटल कॉलम में मैंने क्या दिया है, फेक मेथड यूज़ करा है, और फेक मेथड के बाद यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो टाइटल कॉलम पे एक फेक नेम इंसर्ट हो जाएगा। यूजर आईडी कॉलम में मैंने यूजर का आईडी इंसर्ट किया है, तो यहाँ पर इसके लिए मैंने एक रेंट मेथड को यूज किया है। और अगर हम अपना डेटाबेस देखें और यूजर टेबल देखें, तो यहाँ पर तीन रिकॉर्ड्स है, 1, 2, 3, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या दिया, 1, 3। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 1 से 3 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर पिक करेगा और यूजर आईडी कॉलम में ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने लिया है जॉब टाइप आईडी, और जॉब टाइप आईडी में मैंने यहाँ पर लिया है रैंड 1, 5, क्योंकि जॉब टाइप्स में मेरे पास 1 से लेकर 5 तक के रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और इसी तरह से कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी कॉलम पर भी मैंने यहाँ पर दिया 1, 5, ओके। फिर है वैकेंसी, और वैकेंसी में भी मैंने दिया है 1, 5, तो वैकेंसी में हमारा एक इंटीजर वैल्यू जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 1 से 5 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर, ओके। लोकेशन में मैंने यूज़ किया फेक मेथड, और फेक मेथड का यहाँ पर मैंने सिटी प्रॉपर्टी कॉल किया, ठीक है। तो लोकेशन में कोई भी रैंडम सिटी इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर टेक्स्ट मैंने यूज किया है। एक्सपीरियंस में मैंने 1 से 10 के बीच का कोई भी रैंडम नंबर यहां पर दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में कोई भी डमी नेम, ओके। सो यहां पर हम लोगों का इस तरह से जॉब फैक्ट्री कॉन्फ़िगर हो जाएगा। जब ये जॉब फैक्ट्री कॉन्फ़िगर हो जाएगा, तो अब हम इसे रन करेंगे डमी रिकॉर्ड्स क्रिएट करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे जाना होगा सीडर्स में, और सीडर्स के अंदर हमें एक फाइल मिलेगा डेटाबेस cedar.php, ओके। सो इसे ओपन कर लेना है, और यहां पर मैं इसे कर देता हूं कमेंट, और यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे जॉब फैक्ट्री, ओके। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, जॉब, और यहाँ पर मुझे कितने डमी रिकॉर्ड्स क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरे पास 25 डमी रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाएं, ओके। और अब हमें क्या करना है, इसको रन करना है, और इसको रन करने के लिए मैं आ जाता हूँ टर्मिनल में, ओके। और यहाँ पर मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP Artisan DB Seed, और इसको रन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कितनी जॉब्स हमारे पास पहले से क्रिएटेड हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक जॉब हम लोगों ने क्रिएट कर रखी है, और 25 और डमी जॉब्स मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 26 जॉब्स दिखेंगी, ओके। तो मैं वापस यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको रन कर देता हूँ, ओके। सीडिंग कम्प्लीट हो चुकी है यहाँ पर, और अब अगर यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे डमी रिकॉर्ड्स ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर अगर यूज़र आईडी कॉलम देखें, तो यूज़र आईडी कॉलम में, तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज़र आईडी कॉलम देखें, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग हो जाएगी यूज़र आईडी कॉलम के बिहाफ पे। तो यहाँ पर यूज़र आईडी 1 के लिए ये सारे जॉब्स हैं, और 2 के लिए यहाँ से ये जॉब स्टार्ट हुए हैं, और 3 के लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। एक काम करते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, तो मैं सर्च पे जाता हूँ, और यहाँ पर मुझे सर्च करना है रवि सिंह के लिए। तो रवि सिंह के लिए मैंने सर्च किया जब, तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड उसने पिक किए हैं, सो यहाँ पर उसने पिक किए हैं टोटल 6 रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैंने पेजिनेशन दिया है 10 रिकॉर्ड्स पर पेज, और इस यूज़र के लिए 6 रिकॉर्ड्स ही इंसर्ट हुए हैं। तो एक काम करते हैं एक बार फिर से हम, तो एक काम करते हैं दोबारा से सीडर को रन कर लेते हैं, ओके। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फैक्ट्री क्लास को मैं यहाँ पर मॉडिफाई कर लेता हूँ, सो यहाँ पर मुझे इसको, मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पर 3 दे दिया है, तो अब जितने भी जॉब्स क्रिएट होंगे, सो वो सारे क्रिएट होंगे यूज़र आईडी 3 के लिए, ओके। और यहाँ पर मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ पर नहीं, मुझे जाना होगा डेटाबेस सीटर में, तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 20, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से चला देता हूँ, तो सीडिंग डेटाबेस सीडिंग कंप्लीट हो गई, और वापस से यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पर बता रहा है 26 रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर यूजर आईडी 3 के लिए टोटल 26 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं, ओके। तो अब अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है 26 रिजल्ट्स, ओके। तो 26 रिकॉर्ड सही हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो मैं अगले पेज पर पहुँच जाऊँगा, ओके। और यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो अगले पेज पर पहुँच जाऊँगा। अब दोस्तों, आपके केस में ये हो सकता है कि पेजिनेशन आपको इस तरह से ना दिखे, सो इसको प्रॉपरली कन्फिगर करने के लिए हमें एक काम करना होता है। सो इसके लिए मुझे एक फाइल ओपन करनी है, ऐप सर्विस प्रोवाइडर, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये लाइन मैंने ऐड किया है, ठीक है।
यूज इल्यूमिनेट पेजिनेशन पेजिनेटर ओके। और इसके बाद यहाँ पर बूट मेथड में मैंने लिखा है पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप 5। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ तो अब मैं अगर रिलोड करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेजिनेशन हमारा कुछ इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना होता है, ये लाइन ऐड करना होता है और यहाँ पर हमें बूट मेथड में बताना होता है कि बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन मुझे यूज करना है पेजिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है पेजिनेटर यूज बूटस्ट्रैप 5 ओके। तो अब अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूंगा तो यहाँ पर पेजिनेशन हमारा काम करने लगेगा ओके। तो यहाँ पर हमारा पेजिनेशन भी अब कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट भी कर दिया है। अब हमें एक काम है यहाँ पर और करना है। अब वो काम क्या है कि यहाँ पर हमें अपने लिंक्स भी अप्लाई कर देने साइड बार में। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ sidebar.blade.php ओके। सो यहाँ पर हमें देना है अकाउंट का लिंक, सो राउट अकाउंट डॉट प्रोफाइल ओके। और यहाँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर देना है अकाउंट डॉट क्रिएट जॉब ओके। और माई जॉब्स के लिए मुझे यहाँ पर देना है अकाउंट डॉट माई जॉब्स ओके। और इसी के साथ साथ मुझे यहाँ पर भी लिंक अप्लाई करना है पोस्ट अ जॉब यहाँ पर हेडर में। तो इसके लिए मुझे ओपन करना है app.blade.php फाइल ओके। और यहाँ पर मुझे लिंक अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है राउट अकाउंट डॉट क्रिएट जॉब। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो मैं आ गया माई प्रोफाइल पेज पर, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आ गया जॉब पोस्टिंग वाले पेज पर और माई जॉब्स पेज पर मैं यहाँ पर आ गया ओके। सो यहाँ पर हम लोगों ने लिंक भी अप्लाई कर लिए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जॉब्स को एडिट करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक एडिट का फॉर्म आएगा जहाँ पर हम जॉब को एडिट कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आपके अपने चैनल PHP Tech Life को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।